देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। प्रेमी युगल घर से हुए फरार तो पुलिस वाले से परिजनों ने लगाई गुहार। पुलिस वाले देते रहे दिलासा और बिना बताए ही लड़की को महिला थाना में कर दिया गया सुपुर्द। वापस लौट रहे पुलिस वाले पर ग्रामीणों ने कसा सिकंजा। मामला बायसी थाना क्षेत्र के कुटिया पंचायत का है, जहां नाबालिग शोभा 1 जुलाई को अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी, जिसे ढूंढने की गुहार लगाते हुए न जाने कई बार माँ पुलिस थाना गई और हर बार दिलासा ही मिला कि लड़की मिलते ही आपको सूचित किया जाएगा। उधर पुलिस ने लड़की को बरामद कर मेडिकल कराया और महिला थाना भेज दिया। लड़का का कोई अता पता नहीं। क्या मामला है, क्यों अभी पुलिस से झड़प हो रही थी? जोर से झगड़ा कैसे बोले थे कि मेरा लड़की वो दिन से थाना में केस किए, जवाब दान दिया तो बोले हमको दी बार इंक्वायरी में गया, इंक्वायरी करके बोले तुमको छपना ढूंढना नहीं है, हम लड़की आन के तुमको बोले थाना में बुला करके तुमको बुलाएंगे, तुमको बुला कर लड़का लड़की जो फैसला होगा कोर्ट कर देगा। तो हम मान गए तो बोले छापते हैं, बोले कान की में तरफ देखता है लड़की लड़का कान के किसी हम छाप के तुमको चांद में जाना पड़ेगा, एक आदमी उसका अगर तुमको गाड़ी करके लड़की को आनना पड़ेगा। तो हम कि ठीक है तुम लोग बोले जाइए, बोले आप जाते हैं फोन करते हैं बोले आनेंगे लड़की, बोले आनेंगे लड़की, बोले तो लड़की गई कहाँ थी? लड़का और लड़की कहाँ गई थी, कैसे क्या हुआ था? सर अब तक पता नहीं चल रहा है, वो फरार है दोनों। अच्छा, लड़का लड़की भाग गया था? आराम से बोलो। लड़का कहाँ का था, लड़की कौन है आपकी? दोनों गाँव से था, गाँव में था दोनों। लड़की कौन थी आपकी? बेटी। बेटी है हमारा। कौन से कास्ट है आप? जादव। गांव का नाम क्या है? सुरगुआ। कौन से कास्ट है आप? जात कौन? जादव। और लड़का? हरिचर। तो दोनों मतलब भाग गया। हाँ। तो आप थाना में आवेदन करवाए? हाँ। तो थाना वाला क्या बोला? थाना वाला बोले कि तुम बोले ये हम लड़का लड़की आनेंगे, बोले तो उस दिन से हम थाना में जाते हैं, बोले आनेंगे खोज के हमको लोकेशन बोले करता बोले कानकी में। हाँ। कानकी गए थे, कानकी से लड़का लड़की बोले भाग गया, बोले ठीक फिर हम लोकेशन करेंगे तो पता चलेगा तुमको, बोले आन के देंगे, बोले आज कल लड़का लड़की को पकड़ के उठाना में लड़का को भगा दिया पैसा खाकर, लड़की को लिया कोर्ट में बंद कर दिया। तो लड़की को मेडिकल कराने ले गया था, कोर्ट में ले गया था, पता नहीं है हम लोग को, आप लोगों को पता नहीं क्या? नहीं, इसलिए तो घेरे उसको, नहीं अभी दरोगा को इसलिए घेरे। तो आप लोगों को बताया नहीं कि लड़की मिल गई, लड़का लड़की मिल गई? नहीं मिला, नहीं बताया उसको, बोलने दीजिए। तो फिर आप क्या चाह रहे हैं, अभी क्या बात क्या हुई पुलिस से? हाँ पुलिस से बात हम करो, क्या फोन किया कहा तू दिन से फोन किया हमको, लड़की को पता लगा। हाँ बोले तुमको पता हम कर देंगे लोकेशन, बोले बता रहे हैं जहाँ मिलेगा तुमको आन के हैंडल में कर देंगे, तुम पूछेगा। लड़की कितनी उम्र थी? लड़की कितनी उम्र थी? 15 साल का। पढ़ती थी? हाँ। अच्छा, लड़का लड़की से पहले से फिर फिरता है ऐसा कुछ था? नहीं। क्या नाम है लड़के का? लड़का का नाम है नाम से उसी गाँव का है? हाँ उसी घर का। आपकी बेटी क्या नाम है? शोभा कुमारी। पंचायत कौन सा? कुटिया। थाना? थाना बैसी। गांव? सुरगुआ। आपका क्या नाम है? गायत्री देवी। पति? पति विक्टर यादव। कितना दिन हुआ भागे हुए? 1 तारीख का। 1 महीना हो गया। हाँ, 1 तारीख का भागा। तो अभी तक आपको मतलब लड़का लड़की मिलने के बावजूद आपको थाना आपको खबर नहीं किया? नहीं सर, नहीं। क्या लड़का लड़की मिल गया? नहीं। तो अभी क्या चीज का गुस्सा था, कैसे मिल गए वो लोग? पूर्णिया से आ रहे थे, वो फोन दिया किया ना, वो लोग फोन किए हैं कि गायत्री देव हमको उसका बोले हैं कि हमारा लड़की हो गया है तो छापते हैं, नहीं तुम छाप के आए हरी कि हमको लड़की को छापते हैं, कोई पता नहीं थानादार का था, नहीं बेटा बुला कहते हैं, नहीं हम मिलते हैं खोजते तो ना हमको मिलते हैं, हम क्या यहां कैसे मिल गया अचानक बेलगछी के पास? अचानक दरोगा को हम नंबर दिए कि लड़के सर दरोगा में केस किए तो हमको बेटी को पता नहीं लगता, वो जब फोन किया तो क्या बोलता है कि लड़का लड़की को पूर्णिया में बंद कर महिला थाना में। हाँ महिला थाना में बंद करते हैं, बोले लड़का फिरार कर दिया, लड़का बोले नहीं मिलता है लड़की को बंद कर दिया, तो लड़का लड़की जहाँ पर एक जगह होगा कल लड़की होगा। आप क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं आप? अब क्या है, लड़की चाहते हैं क्या चाहते हैं? लड़की हाँ, एगो लड़का शादी कर लिया। हाँ। हाँ। उसके बाद मेडिकल करा के अल्पावास गृह में रखे और क्या किए? तो ये क्या आरोप लग क्या लगा रहे हैं? 50,000 रुपया कैसे लिए? गलती नहीं है। तो क्या मेडिकल में क्या मेडिकल का रिपोर्ट आएगा तब 164 का बयान कोर्ट में हो। उसके बाद हमको चाहिए मत, ए हाथ मत लगाओ वर्दी में, नहीं तो ये अच्छा सर ये सर इधर 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 सर सर एक बात बताइए कि आखिर ये भीड़ क्यों इकट्ठा हो गई है? अरे झूठ फूस का, आइए थाना पर आप लोग। कौन सा थाना से? बायसी थाना। क्या नाम हुआ सर आपका?